guys, welcome back to Heavenly Bond. Summers are around the corner और हम सब अपनी कोई ना कोई छोटी या बड़ी vacations या trips plan करना start कर चुके हैं. But एक छोटी सी problem जो हम सबको परेशान करती है कि बच्चों के साथ अगर हम travel कर रहे हैं तो उनके खाने पीने का ध्यान हम कैसे रखें. So guys, इस video में we are going to help you in this matter. हम आपको बताएंगे कि ऐसी क्या क्विक एंड इजी फूड है जो आप कैरी कर सकते हैं साथ में. अगर आप कहीं ट्रिप पे गए हैं तो होटल में आप क्या इजीली ऑर्डर कर सकते हैं जो बच्चों को नुकसान भी नहीं करेगा और साथ में आपके बच्चों का पेट भी अच्छे से भरा रहेगा, जिससे आप अपनी ट्रिप को खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. सो गाइस, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या राइट टाइम है बच्चों के साथ ट्रैवल करने का. सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, कोई राइट टाइम नहीं है, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं बना हुआ है. ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके बेबी के ऊपर. अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं बच्चों के साथ. मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ. हमने बहुत ट्रैवल किया है अपने बेबी के साथ. जब वो 3 महीने का था तब से हमने उसके साथ रोड ट्रिप्स लेना स्टार्ट कर दिया था और अब वो ऑलमोस्ट 21 मंथ्स का है. हम 8 to 10 रोड ट्रिप्स ले चुके हैं और हम कई बार फ्लाई भी कर चुके हैं उसके साथ, इंटरनेशनल भी जा चुके हैं. हमको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीजें आप हैंडी रखिए जिससे कि बच्चों के साथ आपको प्रॉब्लम ना हो. गाइज, इम्पोर्टेंट ये है कि हर चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए. बच्चों को किस चीज की कब जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत नहीं भी पड़ेगी तो क्या चीजें हैं जिनको हमको अपने पास रखनी है. सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस हैं और टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है और आप बच्चों के साथ कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं. तो चलिए आइए जानते हैं वो क्या क्या है. तो गाइस, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज है कि अपने पूरी ट्रिप में, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, आप कहीं भी जा रहे हो, बच्चों को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है. क्योंकि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो उस टाइम डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है क्योंकि बच्चों का एनर्जी लॉस काफी होता है. इसलिए उन्हें हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. आप उनको पानी देते रहिए. आप अलग तरह की कोई भी ड्रिंक्स भी साथ में दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं, वो भी काफी हेल्प करेंगे. तो चलिए आइए ट्रैवल फूड के बारे में बात करते हैं. ट्रैवल फूड की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहली कैटेगरी आती है गाइस, वो है फ्रूट्स की. फ्रूट्स सबसे हेल्दी होते हैं, प्लस हर जगह इजिली अवेलेबल होते हैं. चाहे आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो या इंटरनेशनल, फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह हो जाती है. तो वो आपको, आप अगर अपने साथ लेकर नहीं भी जा रहे हो तो आप कहीं से भी परचेज भी कर सकते हो और बच्चों के लिए हेल्दी भी रहेगा. क्योंकि अक्सर जब बच्चे ट्रैवल करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन की प्रॉब्लम बच्चों में आ जाती है बाहर का खाना या इधर उधर का कुछ भी खाने से. तो फ्रूट्स अगर हम बच्चों को देंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा. आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं. गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट है बनाना, जो कि सबसे इजिली अवेलेबल होता है. सभी बच्चों को मोस्ट ऑफ द केसेस में बनाना बहुत पसंद होता है. आप बनाना मैश करके आराम से बच्चों को खिला सकते हैं. नेक्स्ट फ्रूट है आपका एप्पल. एप्पल प्यूरी आप आराम से दे सकते हैं बच्चों को. अगर जहां पे भी आप होटल में रुके, हर होटल में आपको केटल इजिली मिल जाएगी, तो केटल में थोड़ा सा गर्म पानी करिए और उसमें आप एप्पल को काट के और बॉईल कर लीजिए, फिर उसकी प्यूरी बच्चों को खिला दीजिए. साथ में पपाया भी आप मैश करके बच्चों को दे सकते हैं, वो भी काफी हेल्प करेगा और उन्हें काफी हेल्दी रखेगा. साथ में गाइस, समर का टाइम है तो हम मैंगो को कैसे भूल सकते हैं. मैंगो मोस्ट ऑफ द बच्चों को काफी पसंद होता है, तो आप मैंगो भी प्योरी फॉर्म में बच्चों को आराम से दे सकते हैं. तो ये रहे हमारे फ्रूट्स. और भी जो सीजनल फ्रूट्स हो जो आपके बच्चों को पसंद हो और जिनकी अवेलेबिलिटी हो, आप वो आराम से बच्चों को दीजिए. सेकेंड कैटेगरी ऑफ फूड है गाइस, जो ट्रैवल में सबसे इजीली हम बच्चों को दे सकते हैं, वो है कुछ पैकेज्ड फूड. ऑल्दो घर पे हम ये देना प्रेफर नहीं करते हैं, बट व्हाइल ट्रैवलिंग
इट मेक्स नो डिफरेंस, आप ये दे सकते हैं बच्चों को. तो सबसे पहला हमारा है सेरेलेक. सेरेलेक में काफी अच्छे न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, बच्चों को वो दे सकते हैं. उससे पेट भी आसानी से भर जाता है. आप आराम से, क्योंकि कहीं भी मिल्क की अवेलेबिलिटी अगर हो जाती है तो आप मिल्क में मिक्स करके दीजिए. अगर नहीं तो आपके पास फॉर्मूला मिल्क रहेगा. फॉर्मूला मिल्क हमारा दूसरा कैटेगरी है पैकेज्ड फूड का. फॉर्मूला मिल्क जरूर कैरी करिए, इनकेस आप कोई मिल्क कैरी कर रहे हो वो बिगड़ जाए या कहीं मिल्क की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो भी आप फॉर्मूला मिल्क आराम से बच्चों को दे सकते हैं. क्योंकि केटल हर जगह अवेलेबल होती है तो आप उसमें पानी गर्म करके फॉर्मूला मिल्क प्रिपेयर कर लीजिए, या तो आप सेरेलेक को बॉइल्ड वाटर में भी प्रिपेयर करके दे सकते हैं. तो पहला था सेरेलेक, दूसरा था हमारा फॉर्मूला मिल्क. उसके साथ हम कैरी कर सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स, वो भी दूध में बच्चों को एज ब्रेकफास्ट हम दे सकते हैं. उसके बाद गाइस एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होता है ओट्स. तो ओट्स के लिए हमें हम केलॉग्स के मसाला ओट्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है. उसको सिर्फ आपको बॉईल करना होगा और वो बच्चों को बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाएगा. उसके बाद कुछ टेट्रा पैक्स में आपको जूसेस मिलते हैं. ऑल्दो घर पे हम बच्चों को फ्रेशली स्क्वीज्ड जूसेस ही देते हैं, बट आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो ये टेट्रा पैक के जूसेस ले जा सकते हैं. योर किड्स आर गोइंग टू लव इट और साथ में उनको एनर्जी भी मिलेगी. साथ में गाइस बटर मिल्क के भी टेट्रा पैक्स आने लगे हैं, आप वो भी ले जा सकते हैं. बटर मिल्क बहुत हेल्प करेगा डाइजेशन को प्रॉपर रखने में बच्चों का. नेक्स्ट कैटेगरी गाइस स्नैक्स में बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, उसके लिए क्या लेकर के हम ट्रैवल कर सकते हैं. तो सबसे आप इजी एक ऑप्शन होता है कि आप मखाना, रोस्टेड मखाना लेके जाइए. आप थोड़ी सी घी में मखाना को रोस्ट कर लीजिए और एक डब्बे में बच्चों के लिए कैरी करिए. ऑन द वे भी बच्चों को दे सकते हैं आप, सब बच्चों को मखाना बहुत पसंद आता है. दूसरा ऑप्शन है हमारा पफ्ड राइस, जिसको हम लाई भी कहते हैं. आप उसको भी इसी तरह से हल्का रोस्ट करके बच्चों के लिए एज स्मॉल स्नैक कैरी कर सकते हैं. साथ में गाइस पीनट बटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. पीनट बटर घर पे कैसे इजिली बनाना है इसके ऊपर हमने एक वीडियो किया है, इसकी रेसिपी शेयर की है, आप प्लीज जाके देखिएगा. पीनट बटर बहुत हेल्दी होता है, आप ये भी ट्रैवल के टाइम पे ले जा सकते हैं. साथ में गाइस आप ड्राई फ्रूट पाउडर भी ले जाइए, अलग अलग फॉर्म में कहीं भी बच्चों को मिक्स करके दे दीजिए, वो काफी हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट मेंटेन करने में ट्रैवल के टाइम पे. और ड्राई फ्रूट पाउडर कैसे बनाना है इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है, उसको प्लीज चेक करिएगा, आपको डेफिनेटली उससे बहुत हेल्प मिलेगी. साथ में गाइस बच्चों को पॉपकॉर्न्स बहुत पसंद होते हैं तो आप पॉपकॉर्न के पैकेट्स ले जा सकते हैं. पॉपकॉर्न के पैकेट्स आराम से मिलते हैं बाजार में, आप वो लेकर के जा सकते हैं. आइए गाइस बात करते हैं कि जब आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं तो वहां बच्चों के मील्स को कैसे प्लान करें या उन्हें क्या दें. गाइस किसी भी होटल में जाएंगे सारे शेफ्स बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं बच्चों के लिए कुछ भी प्रिपेयर करने में, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं. आप उनको बस एक बार बता दीजिए कि आपको क्या चीज चाहिए, वो आराम से आपको बना के दे देंगे. किसी भी तरह के फ्रूट्स आपको जो अवेलेबल नहीं हो रहे हो आप आराम से होटल में ले सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा. साथ में बच्चों को आप खिचड़ी दे सकते हैं, सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी, वो भी बच्चों को पसंद आएगी, प्लस उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर रहेगा उससे. पैनकेक्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, अलग अलग तरह के पराठे हो गए, पूड़ियां, सिंपल पनीर की भुर्जी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, तो ये सब बच्चों को काफी पसंद आता है और आपको होटल में इजीली मिल जाएगा. साथ में एग्स भी बच्चों को आप दे सकते हैं, वो भी होटल में अवेलेबल हो जाएगा. तो ये थी कुछ चीजें जो आप बच्चों को आराम से ट्रैवल के टाइम पे देके अपना ट्रैवल इजी बना सकते हैं. और भी गाइस बहुत सारे टेट्रा पैक्स में पैक्ड फ्रूट्स और बहुत सारी चीजें आजकल अवेलेबल हैं, आप वो ले जा सकते हैं. रेगुलर डे में हम बच्चों को ये सब नहीं दे सकते हैं, बट ट्रैवल के टाइम पे आप ये सब बच्चों को दे सकते हैं. आप कुछ चॉकलेट्स भी कैरी कर सकते हैं बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए,
हर चीज बच्चों को उनके एज में एंजॉय करने दे, किसी चीज पे एकदम बैरियर नहीं लगाना है कि हमें बच्चों को चॉकलेट नहीं देनी है, आइसक्रीम नहीं देनी है। कभी कभार हर चीज चलती है तो आप वो चीजें बच्चों को दे सकते हैं। साथ में गाइस एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बच्चों के लिए जो चीजें हम कैरी कर रहे हैं खाने की, उसको किस चीज में कैरी करें। अगर हम बहुत सारे डब्बे कैरी करेंगे तो वो बहुत स्पेस ले लेगा, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है गाइस जिप लॉक पाउचेस। जिप लॉक पाउचेस आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, वो हर साइज के आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, आपको जैसा चाहिए आप ले लीजिए और उसमें अपना फूड कैरी कर सकते हैं आप। अब अदर ऑप्शंस क्या है गाइस कि हम और क्या चीजें हैं जो नेसेसरी है अदर देन फूड जो हमें कैरी करना है। आप हैंडी रखिए सैनिटाइजर्स, वाइप्स, हैंड टॉवल्स और पेपर नैपकिन्स, डिस्पोजेबल ग्लास एंड प्लेट्स। ये कुछ चीजें हैं जो आप रखेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने बच्चों के साथ। गाइस फ्लास्क कैरी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरी रिकमेंडेशन है दो फ्लास्क कैरी करिए, एक में नॉर्मल वाटर, एक में बॉइलिंग वाटर। जब वाटर बॉइलिंग में है उस टाइम पे आप नॉर्मल वाटर और बॉइलिंग वाटर को मिक्स कर दीजिए ताकि वो बच्चों को देने लायक हो जाए। थोड़ी देर बाद जब बॉइलिंग वाटर कम हो जाए, का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो आपको इजिली दे सकते हैं। इसलिए रिकमेंडेड है कि दो फ्लास्क आप कैरी करिए। सो गाइस ये थी मेरी तरफ से कुछ टिप्स, कुछ फूड टिप्स। आई होप आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। जल्दी से वेकेशन प्लान करिए, बच्चों के साथ खूब एंजॉय करिए। और गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करिए, हम बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स वहां अपलोड करते हैं अपनी, अपने बेबी की। आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगी। और गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। इनकेस कोई भी क्वेरी हो आप वो भी कमेंट करके हमें बताइए, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और गाइस सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और फ्यूचर में भी बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।